नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसार्स। इन दिनों बेगूसराय में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है। अपराधी द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसी बीच खबर बेगूसराय 8 से निकल कर आ रही है, जहां साधा सेना के पूर्व कर्मचारी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। वो घर में अकेले सोए हुए थे, और जिसके बाद जब सुबह वो नहीं जगे तो उसके बाद आसपास के लोगों ने उन्हें जगाने की कोशिश की, जहां वो मृत पड़े गए। उसके बाद से जो है वहां पे कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि घटना बेगूसराय के लाखों थाना क्षेत्र के लालू नगर मोहल्ले की बताई जा रही है, जहां लालू नगर मोहल्ला निवासी 52 वर्षीय ललन महतो अपने घर के दरवाजे पर सोया हुआ था। तभी देर रात अज्ञात बदमाशों के द्वारा उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या की जानकारी सुबह मिली, जब वो नहीं उठे तो आसपास के लोगों ने देखा कि वो बिछावन पर मृत पड़े हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना लाखों थाना पुलिस को दी गई है। फिलहाल आपको जो बता दें कि मृतक के भाई का इस विषय में क्या कुछ कहना है, आप उन्हें सुनिए। हमको जानकारी मिला है सुबह में 7:30 बजे में, हम जिला पुनर्वास में रह रहे हैं, और यहाँ से जो है सो कोई आदमी फोन किए, हमको पता नहीं है, हमारे फोन हम नहीं रखते हैं। क्या जानकारी मिली? जानकारी हुआ है गोली मार दिया है, तो मरे हुए हैं, पड़े हैं घर में। तब हम लोग आए हैं, और मेरा कहना ये है कि 24 घंटा नहीं लगना चाहिए। राज्य सेंटर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन अगर नहीं इसको 24 घंटा के अंदर वसूल किए तो हम समझेंगे प्रशासन बिहनबीन हो गया। जल्दी कीजिए प्रशासन महाराज, हम गरीब को लूट लिया है, हम बेरोजगार में खाना एक टाइम खाते हैं, एक टाइम आधा पेट खाते हैं, नहीं भी खाते हैं, सो जाते हैं पानी पी के। उस आदमी को मार देना ये कितना अन्याय है, ये हमको समझ में नहीं आता। मारने वाला क्या सोच लिया समझ में नहीं आता है, इसको क्यों मारा? गैट नहीं है घर में, गैट नहीं है, ऐसे खुले मैदान में खाते हैं, आधे पेट रोटी खाते हैं, सोते हैं, निश्चिंत रहते हैं। अब देखिए जी इसको क्या किया, हम हमारे भाई है, छोटा भाई है मेरा। तो आपने मृतक के भाई को सुना, जिन्होंने पूरी वारदात के बारे में बताया, पूरी घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो रात में अपने घर के दरवाजे पर सोए हुए थे, जिसके बाद अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो इस विषय में लाखों थाना के SI का इस विषय में क्या कुछ कहना है, आप उन्हें सुनिए। यही मिला कि लालू नगर में एक व्यक्ति सोए अवस्था में गोली मार दिया है। तो हम लोग बड़ा बाबू हम सभी अभी आए हैं, यहाँ पर आए तो देखे सीना में गोली लगा हुआ है, कपार में भी, शरीर में लगा हुआ है, दो गोली हम देखे हैं, मैंने छेद दूर है, सोया अवस्था मारा। अब अनुसंधान की विषय आगे अच्छा सीखा। आपने SI विजय कुमार को सुना, जिन्होंने इस पूरी वारदात के बारे में बताया है। आपको बता दें फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि मृतक ललन महतो 2020 में कोरोना काल से पहले लोक गायिका शारदा सिन्हा के घर पर काम किया करता था। लॉकडाउन में वो घर आने के बाद वो वापस काम पर नहीं गया और बेगूसराय में ही मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहा था। घटना के वक्त वो घर में अकेले सोया था, जबकि उसके परिवार के अन्य सदस्य दूसरे गांव में रहते हैं। परिजनों ने किसी से दुश्मनी या विवाद की बात से इनकार किया है। मौके पर पुलिस के अवर निरीक्षक विजय कुमार ने इस पूरे घटना के बारे में बताया है। आपको बता दें कि लगातार बेगूसराय में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। कुछ दिन पहले जो अपराधियों द्वारा 11 लोगों को गोली मारी गई थी, उसके बाद भी कुछ दिन पहले अपराधियों द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि उसमें कोई हताहत नहीं की खबरें नहीं आई थी, किसी को गोली नहीं लगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी बेगूसराय जो है लोगों के लिए असुरक्षित देखा जा रहा है। लोग आए दिन जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसकी वजह से लोग डरे हुए। इस विषय में आपका क्या कुछ कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले अपने पास पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।